नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, सवारी खुल के क्यों नहीं आती है, क्या कारण है, मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, उसने मेरे तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, 984 सिद्ध, जिनके की नाम और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित आपने कोई भी सामग्री लेनी है, जैसे कि सुलेमानी हकीका, हकीक पत्थर, नागुरा के रत्न हो गए, उसके अलावा रुद्राक्ष की माला है, सफट की माला है, या वो तुलसी की माला है, कमलगट्टे की माला है, या हल्दी की माला, किसी प्रकार की साधना के लिए आप कोई भी माला लेना चाहते हो तो वो आपको सिद्ध करके मिलती है। जो उसका जेन्युइन प्राइस है वो आपको पेड करना पड़ता है, बाय कोरियर वो आपके घर में भेज दी जाती है। जो कि स्क्रीन के ऊपर मेरी जितनी भी डिटेल आ रही है, मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरी मेल आ रही है, आप उसके ऊपर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। आपके घर में अगर किया गया है कोई भी जादू तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कुछ भी है, कोई भी क्रिया है की हुई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बताने का तो मैं कुछ नहीं लेता, लेकिन अगर उसकी कार्ड करवानी है तो जो भी जो सिस्टम होगा, जैसे भी उसका जो लगेगा, हवन लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। बाकी जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो गुरु कृपा पाना चाहते हैं, वो लोग मेरे से मिल सकते हैं। जब भी मैं बोलते ना कि फ्री रहता हूँ, या जब भी एक समय आता है गुरु मंत्र देने का, वो बोलते हैं गुरु पूर्णिमा आती है, तो मैं पहले डिटेल मेंशन कर देता हूँ, यानी कि मैं डिटेल डाल देता हूँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। जो लोग मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही, उनके दे से ही होगा ये सारा कार्य। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथपंथ के नाम से, और इस सेम नाम यही मेरा फेसबुक पेज भी है, जिसके ऊपर मैं तंत्र मंत्र कुछ मंत्र भी लिखता हूँ, आप वहाँ पर जाके भी विजिट कर सकते हो। शावरी विद्या वहाँ पर भी लिखता हूँ, तो वो भी यही है, सनी शर्मा नाथपंथ ही फेसबुक का पेज का नाम है। और एक ग्रुप है जिसका कि नाम है सिद्ध शावर मंत्रा भाई सन्नी शर्मा, वो भी आपको वहाँ से मिलेगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। वहाँ पे भी वो सेम क्रिया जो फेसबुक पेज पे होते हैं वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट ही होती है, यानी कि एक तरह से वहाँ पे भी शेयर करी जाती है। बाकी की जितनी भी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। सवारी खुल के क्यों नहीं आती है, देखो ये बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हम सेवा कर रहे हैं, झटका पड़ता है, सवारी खुल के नहीं आती। क्योंकि 99% केसेस में क्या होता है कि जिन लोगों को सवारी पड़ती है, पहले तो उन्होंने गुरु ही नहीं धारण करा होता है। 99% तो ऐसे ही केस होते हैं, गुरु होता नहीं लेकिन सेवा लगा रहा है। झटका लगा, देखो झटका पूर्ण रूप से जब खुलता नहीं, अब सवारी कहाँ पे खुलती है, मैं आपको एक जनरली बात बता देता हूँ। अगर इन्हें केस किसी को सवारी खुल के नहीं आती है, जो अगर सही है तो, क्योंकि सवारी में ऐसा हो सकता है किसी के ऊपर कोई किया कराया हो, कोई बंधन लगाया हो, किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ छोड़ी गई हो, तो वो भी शरीर के ऊपर खेलती है, वो भी आ जाती है। क्योंकि जब धर्म स्थल पे आप जाते हो, जहाँ पे एनर्जी का लेवल हायर होता है, आप किसी मंदिर में बैठते हो, आप किसी नाथों के धुने पर बैठते हो, आप काली माता के मंदिर जाते हो, या आप 10 महाविद्या में से किसी भी माता के मंदिर में जाते हो, या दुर्गा माता के मंदिर में जाते हो, हनुमान बाबा के मंदिर में जाते हो, ये इतने चेतन देवता है, ये ऑटोमेटिकली उनको पकड़ लेते हैं और ऑटोमेटिकली बंदा वहाँ पर खेलना चालू कर देता है, ऑटोमेटिकली सर घुमाना चालू कर देता है। अब बात आती है सवारी, कुछ लोगों का है कि मैं बाबा गोगा जाहर पीर जी की सेवा करता हूँ, या गुरु गोरखनाथ महाराज की सेवा करता हूँ। देखो, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की सवारी की बात कर दूँ तो ये तो रेशियो बड़ी कम है, 100 में भी नहीं, ये तो 10 से भी नीचे है जिनके ऊपर सवारी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से पड़ती है इनकी सवारी। हर किसी के बस की बात नहीं है गुरु गोरखनाथ महाराज को संभालना, और उनके बाद जो बाकी देवता बजते हैं, जो नॉर्मल चल रहे हैं, उनकी सवारियाँ जरूर आती है, लेकिन सदगुरु महाराज की थोड़ी सवारी वो बोलते हैं कि गुरु के थ्रू ही मिलेगी। जिन गुरुओं के ऊपर आती है, जिन जिन गुरुओं के ऊपर आती है, वही देते हैं। तो बड़े सोच विचार करने के बाद वो भी सदगुरु महाराज के देश के बाद ही आगे किसी को बख्शी जाती है, ऐसे हर किसी के सर के ऊपर खेलते नहीं, हर किसी के सर के ऊपर आके ये अलख नहीं जगाते हैं, और हर किसी के सर के ऊपर आके ये वचन निभाते हैं। और अब सवारी आपकी खुल के क्यों नहीं आती, कारण क्या? देखो, कारण ये होता कि पहला तो जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया उनको तो गुरु धारण करना पड़ेगा, और दूसरा बात ये कि कईयों की सवारी पहले चल रही है, गद्दी चल रही होती, लेकिन अचानक से उनका बंद हो जाता, तो उनसे कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी। सबसे बड़ा कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं कि सवारी में आप याद रखना, जब भी आप सवारी लेते हो, संचार तभी होता है आपके भीतर जब आपके पितर और आपकी सारी जो सिद्धियां, जो आपके सारे जो कुल के देवता हैं वो सारे सीधे रहते हैं। अगर उनमें से एक भी इधर उधर हुआ तो सवारी आना बंद हो जाएगा, या देवता ऐसे कि सवारी तो पड़ रही है लेकिन काम नहीं निकल रहे हैं। तो ये सारे कारण क्या होते हैं कि किसी के द्वारा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बंधन भी लगा दिया जाता है। कोई बंदा आपने किसी के, जैसे मान लो आप किसी की कार्ड कर रहे हो, तो कार्ड के दौरान क्या होता है कि जब आप किसी की कार्ड लगाते हो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के बंदे के पास जाती है जिसने किया कराया होता है। आप थर्ड पर्सन की कार्ड लगा रहे हो और बीच में वो बोलते ना कि आप तो जा रहे हो लेकिन आपका स्वरूप उसके पास पहुंच गया, वहाँ पे देश हो गया, तो वो अगर सामने वाला आपसे
तगड़ा है तो वो आपको बंदर मार दे, वो देखेगा कौन सा देवता, वो देवता लगा के आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ पकड़ लेता है, अपने पास ही होल्ड कर लेता है, जिसके कारण आपकी सवारी खुलती नहीं है। और एक कारण और होता है सवारी नहीं आने का, क्योंकि ब्रह्मचार्य मायने रखता है। अगर आप गद्दी लगी सवारी आने लगी तो सवारी के बाद भी आप जैसे कि नॉन वेज खाना, गलत कार्य करना, चुगली बजोरी करना, मतलब झूठ पाप सब साथ में चलाना, तब भी सवारी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो सवारी खुल के इसीलिए नहीं आती है क्योंकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ना कोई बंधन आ जाता है। बंधन में ऐसा ही नहीं है कि किसी तांत्रिक के द्वारा बंधन हो, आप खुद भी बंधन लग जाता है। जब आप खुद गलती करते हो तो देवता कहीं ना कहीं प्रकार से रुक जाता है। स्वाशोकर्ता मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल यानी कि सन्नीनाथ को सब्सक्राइब करना, गुरु गोरखनाथ को, शिव गोरक्षण और चाची सिद्ध को, और फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हो, और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तंत्र मंत्र संबंधित, साधना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और मेल पर मेल कर सकते हो।